नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस फिट ट्विस्ट स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 1999 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 2499 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर पे करना पड़े तो ये आपके लिए एक एक्सपेंसिव डील होगी। ये है कोलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.38 इंच का TFT राउंड डिस्प्ले और इसमें है 500 nits ब्राइटनेस। इसके अलावा इसमें है SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 100 स्पोर्ट्स मोड है, अप टू 7 डे बैटरी लाइफ, कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है, 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस दिए गए हैं, कैलकुलेटर और ये है IP68 वाटर रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें, ये है यूजर मैनुअल, नॉइस के स्टिकर्स, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 300 mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे, आपको मिलेगा 7 डे का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 to 3 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए, या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी बढ़िया है, राउंड डायल आपको मिल जाता है और यहाँ पे होम स्पोर्ट्स के लिए 2 बटन्स दिए गए हैं। यह है ABS प्लस PC, मतलब कि प्लास्टिक की आपको मिल जाती है बॉडी, हालांकि मेटालिक फिनिश आपको मिल जाता है। स्मार्ट वॉच काफी लाइटवेट है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के। ऊपर में है प्लास्टिक का बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, यहाँ पे स्पीकर और यह है माइक कॉलिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर अलाइन करना है और ऊपर वाले पिन को नीचे खींचकर अलाइन करना है ऊपर में, इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। नॉइस का लोगो दिखाई देगा, उंगली रिलीज कर दीजिए। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नॉइस फिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप 2 तरीके से लॉग इन या साइन अप कर सकते हो, जीमेल के जरिए और आपके किसी भी ईमेल अकाउंट के जरिए। तो मैं करूंगा ईमेल के जरिए। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और करना है कंटिन्यू पे टैप। उस ईमेल आईडी पे रिसीव होगा एक OTP, आपको उस OTP को एंटर करना है यहां पे और करना है कंटिन्यू। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। इसके बाद आपको यहां पे वेट करना है, शो करेगा नॉइस फिट ट्विस्ट। अगर यहां पे ये शो नहीं कर रहा है तो आपको स्कैन पे टैप करना है, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। इसके बाद आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, आपकी वॉच पेयर हो जाएगी। लेकिन यहां पे शो कर रहा है तो मैं इस पे टैप करूंगा। फिर आपको वॉच में करना है टिक पे टैप, स्टार्ट यूजिंग और यहां पे गेट स्टार्टेड। तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। आपको मिलेगा एक पॉपअप पेयर करने के लिए, तो हम करेंगे पेयर पे टैप। इसका मतलब है कि अब आप अपने स्मार्ट वॉच पे कॉल को रिसीव कर पाओगे। आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, आप यहां पे कोई भी 5 जो एक्टिविटी है चूज कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप, 5 सेव पे टैप कीजिए। हमने कॉलिंग के फीचर को ऑन कर लिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी चेक करना हुआ तो कीजिए प्रोसीड पे टैप। यहां पे शो होना चाहिए नॉइस फिट ट्विस्ट कॉलिंग, अगर ये यहां पे शो नहीं कर रहा है तो नीचे शो करेगा। फिर आपको उस पर टैप करके करना है पेयर। अभी है कनेक्टेड, मतलब कि आपकी वॉच में कॉल का फीचर ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माई डिवाइस की, तो आपको माई डिवाइस पे टैप करना है। जो बैटरी लेवल लिखा हुआ है आपको उस पर टैप करना है। चेक फॉर अपडेट, आप यहां से अपडेट को
चेक कर सकते हो वॉच के लिए, अगर अवेलेबल है तो यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद है वारंटी रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे टैप करना है। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है आपको चूज करना है, जैसे कि मैंने किया है अमेजोन से। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच का सीरियल नंबर आप यहां पे एंटर कर सकते हो या डायरेक्टली उसे स्कैन भी कर सकते हो। तो बॉक्स होगा स्मार्ट वॉच का, उसके ऊपर लिखा होगा ये नंबर SW, आपको इस कोड को स्कैन करना है। तो स्कैन पे टैप कीजिए, वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए और आपको उस कोड को स्कैन करना है। सीरियल नंबर एंटर हो जाएगा, फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। इसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। और बॉटम में है अनपेयर डिवाइस का ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हो अपनी स्मार्ट वॉच को अनपेयर करना अपने फोन के साथ तो आपको इसका यूज करना है। हालांकि आप तीन केस में इसका यूज कर सकते हो, एक तो अगर आप इस स्मार्ट वॉच को यूज नहीं करना चाहते, अगर आप किसी और वॉच को यूज करना चाहते हो, या आप इस वॉच में कुछ इश्यू फेस करते हो तो तब आपको इसका यूज करना है, बाकी टाइम के लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। बैक जाओगे तो आगे सबसे पहले वॉच फेसेस, तो आप यहां से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको वॉच फेसेस पे टैप करना है। यहां पे मिलेंगे आपको अलग अलग कैटेगरी, अगर आपको सभी कैटेगरी को देखना हुआ तो जाना है डिजाइन वाइज में, व्यू ऑल पे टैप कीजिए। ये रहे अलग अलग कैटेगरी, इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, क्रोनोग्राफ, ज्योमेट्री, टेक, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमल डिजिटल, नेचर, क्रिसमस, नेशनल फ्लैग, स्पेस। यहां पे है 100+ वॉच फेसेस। आपको अगर किसी भी वॉच फेस को अप्लाई करना हुआ तो आपको उस कैटेगरी को ओपन करना है, जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है क्रोनोग्राफ में से, तो मैं व्यू ऑल पे टैप करूंगा और मुझे डाउनलोड करना है ये वॉच फेस, तो मैं इस पे टैप करूंगा इस तरीके से और करूंगा अपडेट वॉच फेस। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है स्मार्ट वॉच में, इस तरीके से वॉच फेस शो करेगा आपकी वॉच में। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस के होम पेज पे जाना है और यहां पे शो करेगा कस्टम लिखा हुआ, ये रहा कस्टम वॉच फेस। आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलेंगे तीन अलग अलग स्टाइल, जिसमें टाइम नीचे शो करेगा, इसमें टाइम ऊपर में और इसमें टाइम लेफ्ट साइड में। आपको जो स्टाइल चूज करनी है उस पर टैप कीजिए और फिर गैलरी पे टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है, जैसे कि मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। फिर आपको करना है सेट करने के बाद टिक पे टैप। आपको टाइम का कलर कौन सा रखना है आप यहां से स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है अपडेट वॉच फेस पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो वॉच फेस है सेट हो चुका है आप देख सकते हो। आप अपनी स्मार्ट वॉच में एक साथ मैक्सिमम 5 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि 4 वॉच फेस पहले जो होते हैं फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला होता है 5वां वॉच फेस, बस वही चेंज होता है हर बार। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन डिसेबल पे टैप कीजिए, अलाउ पे टैप कीजिए, नॉइस फीड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से उस पे टैप कीजिए और ऐप नोटिफिकेशन इसे ऑन कीजिए। आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी स्मार्ट वॉच में, तो आपको मैनेज पे टैप करना है, ऑल पे टैप कीजिए। आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे यहां पे शो करेंगे। अब इनमें से कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको रिसीव करनी है आपकी स्मार्ट वॉच में, तो उस ऐप के सामने जो बॉक्स होगा उसमें आपको टिक करना है। तो मैंने कुछ ऐप्स यहां पे कर लिए हैं सिलेक्ट, फिर आपको करना है सेव पे टैप। ये रहे वो ऐप्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। बैक जाइए, आगे है SMS अलर्ट, तो अगर आप SMS देखना चाहते हो अपनी स्मार्ट वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए, बैक जाइए। और आगे है माय रिमाइंडर, इसमें आपको मिलेंगे इवेंट रिमाइंडर के लिए ऑप्शन, तो आप कोई भी 5 इवेंट को ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई दिन जो आप भूलना नहीं चाहते, जैसे कि किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी, तो आपको ऐड रिमाइंडर पे टैप करना है, लेबल देना है, जैसे कि बर्थडे डेट सेट कीजिए। इसके बाद आपको टाइम सेट करना है और आप AM PM भी सेट कर सकते हो। सेव पे टैप कीजिए और लास्ट में कीजिए सेव पे टैप। इस तरीके से अगर आपको और ऐड करना हो तो ऐड पे टैप कीजिए, तो आप सेट कर सकते हो इस तरीके से मैक्सिमम 5 रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर का टाइम आएगा तो आपको मिलेगा इस इवेंट का रिमाइंडर आपकी स्मार्ट वॉच में वाइब्रेशन के साथ। सेव पे कीजिए टैप। आगे है कॉल अलर्ट, तो आपको इस पे टैप करना है।
अगर आप चाहते हो जब भी कोई कॉल आए तो उसका रिमाइंडर आपकी वॉच में शो करे तो आपको इसे ऑन करना है। अलाउ कीजिए परमिशन को, हमने कॉल जो फीचर है उससे पहले ही ऑन कर लिया है। अगर नहीं होता है ये ऑन तो आपको इसे ऑन करना है यहाँ पे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो ये है कॉल का प्रीव, कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा। यहाँ पे मिलेंगे आपको चार बटन, जो वॉच है इसमें रिंगटोन प्ले हो रही है और वाइब्रेशन भी हो रहा है। अगर आप चाहते हो जो रिंगटोन है वो म्यूट हो जाए तो आपको पहले बटन पे टैप करना है। रिंगटोन यहाँ से म्यूट हो चुकी है फोन में भी और वॉच में भी। फिर ये है क्विक रिप्लाई को सेंड करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टैप करके जो रिप्लाई है उसे सेंड कर सकते हो। आपको टैप करना है रिप्लाई पे, सामने वाले को मिलेगा रिप्लाई और आपका जो कॉल होगा कट हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे कॉल को कट करने का ऑप्शन और ये है कॉल को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, तो एक्सेप्ट कीजिए। तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको मिलेंगे तीन बटन्स, ये है वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन कॉलिंग के दौरान कितना आपको वॉल्यूम चाहिए, और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से वन टैप में माइक को म्यूट कर सकते हो, मतलब कि सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो जो भी कॉल आए तो मुझे फोन पे रिसीव करना है, वॉच में रिसीव नहीं करना है, हालांकि कौन सा कॉल आ रहा है मुझे देखना है केवल वॉच में, तो उसके लिए आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बीपे लॉन्ग टैप कीजिए। यहाँ पे आपको शो करेगा नॉइस फिट ट्विस्ट, आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद अगर आपको कोई कॉल आएगा तो आपको इस तरीके से शो करेगा, हालांकि अब आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। आप देखोगे बस आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन, इस रिंगटोन को म्यूट करने का, रिंगटोन जो है म्यूट कर पाओगे आप अपनी वॉच में आपके फोन में। इसके अलावा जो रिप्लाई है आप उसे भी सेंड कर सकते हो, और यह है कट करने का ऑप्शन, रिसीव करने का ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। SMS आ चुका है फोन में भी और वॉच में भी सेम टाइम में, और आप इस तरीके से उसका प्रीव्यू देख सकते हो। हालांकि SMS के नीचे आपको मिलेगा एरो का आइकन, मतलब कि ये है रिप्लाई सेंड करने के लिए, तो आप टैप करके जो क्विक रिप्लाई है उसे सेंड कर सकते हो। SMS के लिए भी टैप कीजिए, रिप्लाई सेंड हो जाएगा। अगर आपने मैसेज देखना मिस कर दिया तो फिर आपको स्वाइप डाउन करना है होम पेज पे इस तरीके से, और ये है आपका SMS, आप इस तरीके से टैप करके उससे रीड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे SMS जो है अलग अलग हिस्सों में शो करता है, हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। SMS के लिए आप मैक्सिमम यहाँ पे तीन चार लाइन ही रीड कर सकते हो एक साथ। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। WhatsApp आ चुका है, इस तरीके से आपको प्रीव्यू शो करेगा, WhatsApp नेम, आइकन, टाइम और कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर, और ये है उसके कॉन्टेंट। आप इस तरीके से उसे रीड कर सकते हो स्वाइप करके व्हाट्सएप में। हालांकि यहाँ पे 6-7 लाइन शो की जाती है, आप ही से उस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो। आप अपने यहाँ पे एक साथ 10 मैसेज को रीड कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी मैसेज को डिलीट करना हुआ तो टैप करके उसे कीजिए डिलीट नीचे। अगर आपको सभी को करना हुआ एक साथ क्लियर, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन, टैप करोगे तो सभी मैसेज एक साथ क्लियर हो जाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी आपको SMS या कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट। आगे है हेल्थ मॉनिटर, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है हार्ट रेट, तो अगर आप चाहते हो आपकी स्मार्ट वॉच में ऑटोमेटिक मेजर हो हार्ट रेट तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच में हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा, लेकिन मैं इसे ऑफ ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे ऑन रखा तो मेरी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा और उससे बैटरी ज्यादा यूज होगी। अगर आप चाहते हो बैटरी को सेव करना तो आपको इसे ऑफ रखना है। फिर आप जब चाहते हो अपनी वॉच में मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम रैम भी कहते हैं, तो इसका टाइम मेजर होता है सोने के दौरान। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, और सोने के दौरान जब भी आप सपने देखते हो, जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो अगर आपको इसे शो करना है स्लीप डेटा में तो आपको इसे ऑन करना है। ड्रिंक वाटर, मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। एडिट पे टैप करना है, यहाँ पे टाइम सेट करना है हर कितने घंटे बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, मैं चाहता हूं 2 घंटे। आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है, जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान आपको मिलेगा पानी पीने का रिमाइंडर आपकी स्मार्ट वॉच में हर 2 घंटे, आपको करना है सेव पे टैप। इसके अलावा हैंड वॉश का भी रिमाइंडर दिया गया है, तो आप हाथ धोने का जो रिमाइंडर है
उसे भी ऐड कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, एडिट पे टैप करना है, हर कितने टाइम के बाद आपको चाहिए हाथ धोने का रिमाइंडर, तो आप जो टाइम है यहां से सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूं 2 घंटे, तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप सेट कर सकते हो, और मतलब कि जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान आपको हर 2 घंटे आएगा हाथ धोने का रिमाइंडर आपकी स्मार्ट वॉच में, फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा आपकी स्मार्ट वॉच में एक अलर्ट कि आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो आपको इसे ऑन करने के लिए इसे ऑन करना है, एडिट पे टैप कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपको 1 आवर ही सेट करनी है, हालांकि आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है माय अलार्म्स, तो अगर आपको अलार्म्स को सेट करना है तो आप अपनी वॉच से भी अलार्म को सेट कर सकते हो, हम अपनी वॉच से ही अलार्म को सेट करेंगे। इसके बाद है गूगल फिट, तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आपको अगर इस ऐप में जो डेटा है उसे सिंक करना है अपने गूगल फिट ऐप में, तो आपको इस पे टैप करना है कनेक्ट। इसके बाद इस ऐप में आपका जो भी डेटा होगा, स्टेप्स, किलो कैलोरी, एनर्जी, डिस्टेंस, हार्ट रेट, SPO2, वो सब सिंक हो जाएगा इस ऐप में भी। आप दोनों ऐप में अपना डेटा चेक कर पाओगे। और ये है माय कॉन्टैक्ट्स, तो अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव करना है अपनी स्मार्ट वॉच में तो आप यहां से कर सकते हो। आप मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में, तो आपको ऐड पे टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है, आपको उसके सामने जो बॉक्स दिखाई देगा आपको उस बॉक्स में टिक करना है। तो ऐसे मैं 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेता हूं, तो मैंने अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे, हालांकि आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आपको सामने वाले डॉट के आइकन पे टैप करना है, लॉन्ग टैप करके आप इन्हें ट्रैक कर सकते हो ऊपर नीचे करने के लिए। अगर इनमें से किसी को निकालना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो, और फिर ऐड कर सकते हो किसी भी कॉन्टैक्ट को। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। और फिर है क्विक रिप्लाई, तो अगर आप कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर यूज करना चाहते हो तो आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे सेट किए गए हैं 5 पहले से क्विक रिप्लाई, हालांकि आप इन्हें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको एडिट पे टैप करना है। आपको अगर इनमें से किसी को निकालना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप कीजिए, इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो डॉट के आइकन पे लॉन्ग टैप करके ट्रैक कीजिए इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, कोई भी रिप्लाई आप यहाँ पे टाइप करके सेव कर सकते हो। मैंने किया है विल कॉल यू इन 10 मिनट्स, आपको सेव पे टैप करना है। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो अपने रिप्लाई को, जब भी कोई कॉल आएगा SMS आएगा तो इस तरीके से आपको शो करेंगे क्विक रिप्लाई। आपको फिर सेव करने के लिए करना है सेव पे टैप। ये है वेदर सेटिंग्स, तो अगर आपको वेदर इन्फो देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है। इसे ऑन कीजिए, बैक जाइए। आगे है वर्ल्ड क्लॉक, तो दुनिया के अलग अलग 5 सिटीज को आप ऐड कर सकते हो उनके टाइम को चेक करने के लिए। आपको ऐड पे टैप करना है, सिटी का नाम सर्च करना, जैसे कि न्यूयॉर्क, फिर से ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, शिकागो, सेव पे टैप कीजिए। जो भी सिटी आपने ऐड किया है आपकी वॉच में शो करेंगे। फाइंड माय डिवाइस, तो अगर आपने अपनी स्मार्ट वॉच को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस फीचर के जरिए अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। आपको इस पे टैप करना है सर्च पे टैप। जैसे आप सर्च पे टैप करोगे आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें, आपकी स्मार्ट वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करती रहेगी वाइब्रेट जब तक कि आप उसे स्टॉप नहीं करते तब तक। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे कैमरा शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है अलाउ, तो यहां पे ओपन होगा कैमरा और आपकी स्मार्ट वॉच में ओपन होगा शटर बटन। आपको शेक करना है अपने स्मार्ट वॉच को फोटो कैप्चर करने के लिए, जो फोटो है इस तरीके से कैप्चर हो जाएगी। आगे है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन, मतलब कि आप कितने स्पोर्ट्स मोड को एक साथ देखना चाहते हो अपनी स्मार्ट वॉच में। हालांकि आपके पास ऑप्शन है 100+, लेकिन आप एक साथ देख पाओगे केवल 10 वर्कआउट मोड, तो आपको यहां पे करना है एडिट पे टैप। इनमें से अगर आपको किसी को रिमूव करना हुआ तो आपको क्रॉस के साइन पे टैप करना है रिमूव करने के लिए, और अगर आपको ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी स्पोर्ट्स मोड को आपको ऐड करना है आपको उसके सामने बॉक्स में टिक करना है इस तरीके से, और फिर आपको करना है सेव पे टैप, और एंड में करना है सेव पे टैप। जो भी आपने ऐड किए वही वर्कआउट मोड आपको शो करेंगे आपके स्मार्ट वॉच में। आगे है डिवाइस सेटिंग, तो यहां पे है टाइम के लिए ऑप्शन। हालांकि आप अपनी स्मार्ट वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपको शो कर रहा है आपके फोन में सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो, यहां पे टैप कीजिए। तो यहां पे है 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस ऑप्शन को सेट करना है, जिस फॉर्मेट को, उस पे टैप कीजिए, करना है सेव पे टैप।
हालांकि अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो टाइम शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करे, तो आपको सिंक टाइम पे टैप करना है। अब बात करते हैं होम पेज की, तो होम पेज पे अगर आप जाओगे तो यहां पे आपको टैप करना 3 बार पे, और ये है प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आपको नेम पे टैप करना है। आप यहां पे एडिट पे टैप कीजिए, आप यहां से अपना प्रोफाइल फोटो, अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, इंटरेस्ट, वॉकिंग हाइट और यूनिट को चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। आपको सेव पे टैप करना है एंड में सेव करने के लिए। माय गोल्स में जाकर आप अपने जो गोल्स है उन्हें सेट कर सकते हो। एडिट पे टैप कीजिए, रोजाना आप कितने किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करना चाहते हो, डेली आप कितने डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, आपका स्टैंडिंग आवर गोल कितना है। स्टैंडिंग आवर मतलब कि अगर आप 1 घंटे में मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करोगे तो उसे कहते हैं उन स्टैंडिंग आवर। और ये है स्टेप्स, तो आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरीके से सेव पे टैप कीजिए सेव करने के लिए। बैक जाओगे तो होम पेज पे यहाँ पे आप स्वाइप डाउन करके इस डेटा को कर सकते हो रिफ्रेश। आपका जो भी हेल्थ और एक्टिविटी डेटा होगा यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे शो करेगा आपका आज का डेटा, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, और आप जो भी अपना वाइटल मेजर करोगे जैसे कि आपका हार्ट रेट, SPO2 और स्ट्रेस, तो आप जब भी मेजर करोगे आपकी स्मार्ट वॉच में इन वाइटल को, तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा, आप उसे चेक कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे शो करेगा आपका वर्कआउट डेटा, तो अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे आपकी स्मार्ट वॉच में उसका डेटा अगर आपको दिखना हुआ तो यू ऑल पे टैप कीजिए, और ये रहे आपके सारे वर्कआउट, आपको उस पर टैप करना है उसका डेटा चेक करने के लिए। तो ये कौन सा वर्कआउट है और उसका डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिसकनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो उसके लिए आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पर टैप कीजिए और करिए लॉक दिस ऐप। आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, यह होगा कीप ओपन ऐसा लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे। तो हमने इस ऐप के जरिए अपने स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको स्मार्ट वॉच को कैसे यूज करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स, होम और स्पोर्ट्स। तो जो पहली बटन है होम, उसके हैं 3 फंक्शंस। डिस्प्ले अगर ऑफ है उसे ऑन करने के लिए आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है। अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे मेनू को इस तरीके से, ये रहा मेन मेनू। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको जाना हुआ बैक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। बैक जाने का और एक तरीका है, तो आपको ऐसे करना है स्वाइप राइट बैक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। नीचे वाले बटन का है 1 फंक्शन, तो अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे वर्कआउट मोड को। जो भी आपने 10 वर्कआउट मोड यहाँ पे सेट किया ऐप में वो यहाँ पे शो करेंगे, आप देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, स्टार्ट करने के लिए स्वाइप अप कीजिए और कीजिए स्टार्ट, टिक पे टैप कीजिए, तो यहाँ पे शो करेगा टाइमर, डिस्टेंस, हार्ट रेट और किलो कैलोरी एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे है म्यूजिक कंट्रोल, आप यहाँ से क्विकली कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक को। नीचे यहाँ पे शो करेगा आपका पेस कैडेंस, पेस मतलब होता है अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, कैडेंस का मतलब होता है स्टेप्स पर मिनट, और ये है आपके टोटल स्टेप्स। और यहां से अगर आप चाहो तो टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में। अगर नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, इसके बाद म्यूजिक होगा इस तरीके से प्ले फोन में। वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके, प्रीवियस, नेक्स्ट। इस स्मार्ट वॉच में आपको स्पीकर तो मिल जाते हैं, लेकिन स्पीकर जो है केवल कॉलिंग पर्पस के लिए दिए गए हैं। म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे तो हमेशा फोन में ही प्ले होगा, हालांकि आप अपने म्यूजिक को यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको वर्कआउट को एंड करना हुआ तो आपको करना है प्रेस और कीजिए एंड। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, इस तरीके से आप उसका डेटा चेक कर पाओगे बाद में। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आप अपने मैसेज यहाँ पे रीड कर सकते हो, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो करेगा कॉलिंग का फीचर ऑन है कि ऑफ है। अगर कॉल का बटन व्हाइट में है मतलब कि कॉल का फीचर ऑन है, अगर रेड में है मतलब कि ऑफ है। बैटरी लेवल परसेंट में सबसे पहले है इस स्मार्ट वॉच को साइलेंट करने का ऑप्शन, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच हो जाएगी
साइलेंट मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी वॉच करेगी केवल वाइब्रेट। अगर आप चाहते हो रिंगटोन बजे तो आपको इसे ऑफ करना है। और ये है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 पे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। और ये है फाइंड माई फोन, तो मान लेते हैं आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अगर इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी, मतलब कि आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैठ जाइए। हालांकि फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। और यह डीएनडी को ऑन करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे डीएनडी को वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपने डीएनडी को ऑन रखा है मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। और ये है बैटरी सेविंग मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी दो चीजें, आपकी वॉच में कोई भी मैसेज नहीं आएगा और आपकी वॉच में जो ब्राइटनेस है सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी ताकि आपकी वॉच में बैटरी से हो सके। और ये सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। रिंगटोन वाइब्रेशन, तो आपको वाइब्रेशन कितने लेवल पे सेट करना है तो आप जो वाइब्रेशन है यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये है साइलेंट मोड, तो आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो साइलेंट मोड को। अगर आपको चाहिए रिंगटोन तो इसे ऑफ रखिए, अगर आपको रिंगटोन नहीं चाहिए तो इसे ऑन रखिए। आगे है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आप इसे दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक होता है ड्यूरेशन, मतलब कि टाइम के हिसाब से, और एक होता है एक्टिवेट 24/7, मतलब कि हमेशा के लिए। मान लेते हैं आपने हमेशा के लिए इसे ऑन रखा हुआ है 24/7, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ होता है, मतलब कि जब भी आपको टाइम देखना हुआ तो आपको हथेली को ऐसे ऊपर करना है टाइम को देखने के लिए। अगर आप चाहते हो इसे टाइम के हिसाब से यूज करना तो आपको करना है रिस्ट अवेक में जाकर ड्यूरेशन, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा, तो आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है, या अगर आपको इसे ऑफ करना है तो करिए टर्न ऑफ। आगे है ब्राइट स्क्रीन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो आपको कितने सेकंड के लिए स्क्रीन को ऑन रखना है, तो यहां पे है मिनिमम, अगर 5 सेकंड मैंने रखा हुआ है मतलब कि डिस्प्ले इसका 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। आप चाहो तो इसे मैक्सिमम कर सकते हो 30 सेकंड, लेकिन यहां पे ऑलवेज ब्राइट का भी फीचर दिया गया, मतलब कि आप डिस्प्ले को हमेशा के लिए ऑन रख सकते हो, डिस्प्ले अब इसका कभी भी ऑफ नहीं होगा। लेकिन इससे बैटरी काफी ज्यादा यूज होगी, तो अगर आप चाहते हो बैटरी को सेव करना तो आप 15 या 20 सेकंड रख सकते हो मैक्सिमम। आगे डीएनडी, तो आप यहां पे दो तरीके से डीएनडी को यूज कर सकते हो। एक तो आपको इसे ऑन करना है, टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा, या आप स्मार्ट डीएनडी का भी यूज कर सकते हो। स्मार्ट डीएनडी का यूज करोगे मतलब कि जब आप सोते हो तब ऑटोमेटिकली डीएनडी काम करेगा, मतलब कि सोने के दौरान आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा या कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आगे है मेनू व्यू, तो आप दो तरीके से मेनू को शो कर सकते हो। एक होता है लिस्ट व्यू, मतलब कि जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करता है, इसे कहते हैं लिस्ट व्यू, वर्टिकल मेन मेनू। अब जो ग्रिड व्यू है इस तरीके से शो करेगा। आगे है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन, तो अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर आप जब भी रनिंग या वॉकिंग करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा रनिंग और वॉकिंग का वर्कआउट मोड। हालांकि स्टार्ट होने से पहले आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, जब आप कंफर्म करोगे तब होगा स्टार्ट। फिर एंड में मिलेंगे आपको 3 ऑप्शन, इस स्मार्ट वॉच को रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का, और इस स्मार्ट वॉच को रिसेट करने का। रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी डेटा होगा वो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, इस तरीके से आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको जिसे सेट करना है उस पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको करना है स्वाइप लेफ्ट। सबसे पहले है हार्ट रेट, तो आपका जो हार्ट रेट है यहाँ पे मेजर होगा, आज का मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज कितना रहा है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा आपका SpO2 मैक्सिमम मिनिमम और अभी कितना आएगा, इसके अलावा 24 आवर का ग्राफ डेटा, आपका स्लीप डेटा यहाँ पे शो करेगा, आप कितने बजे सोए कितने बजे जागे, इसके अलावा आपका स्लीप स्कोर, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, अवेक टाइम और रेम का जो टाइम है यहाँ पे शो करेगा। स्ट्रेस आप यहां से मेजर कर सकते हो, मतलब कि आपका तनाव मैक्सिमम मिनिमम यहां पे शो करेगा और अभी कितना आया है। इसके अलावा ये है विजेट, तो आप यहां पे जो अलग अलग ऑप्शन है एक ही प्लेस से एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि एक्टिविटी, इसके अलावा अलार्म, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, स्लीप, ब्रीदिंग वर्कआउट, वेदर, वर्ल्ड क्लॉक। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, इसमें सबसे पहले है एक्टिविटी,
तो ये है आपका आज का डेटा, किलो कैलोरी एनर्जी, डिस्टेंस, स्टैंडिंग आवर और आज के स्टेप्स। इसके अलावा जो बाकी इसमें वो है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आप यहाँ से जो ब्रीदिंग वर्कआउट है उसे स्टार्ट कर सकते हो, आपको टाइम सेट करना है। इसके अलावा स्पीड आपको कैसे रखनी है फिर करिए स्टार्ट पे टैप। जिस तरीके से सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है, इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सहेल मतलब सांस छोड़नी है। स्टॉप करने के लिए ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए। आगे है नॉइस बज, मतलब कि कॉलिंग का फीचर, तो जो भी आपने 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में। आपको अगर इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर है कॉल हिस्ट्री, तो जो भी आपके कॉल से पिछले कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे, आप अपने पिछले 10 कॉल्स को यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि ये जो कॉल हिस्ट्री है आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद है डायल पैड, तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और ये है क्लॉक का ऑप्शन, इसमें पहले है अलार्म, तो आप यहां पे अपने अलार्म को ऐड कर सकते हो। प्लस के साइन पे टैप कीजिए, आप यहां पे एक साथ अपने 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। टाइम को सेट कीजिए आवर मिनट, एएम पीएम के लिए आपको 12 से पहले आना है, एएम फिर पीएम इस तरीके से चेंज कर सकते हो। टिक पे टैप कीजिए, कौन से दिन को आपको अलार्म को रिपीट करना है उन दिन को आपको चूज करना है और करना है टिक पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो, कोई भी 5 अलार्म। आप यहां से उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, टैप करके आप उसे चेंज भी कर सकते हो और आप उसे यहां से डिलीट भी कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। और ये है टाइमर स्टॉपवॉच, हालांकि टाइमर स्टॉपवॉच इस वॉच में बैकग्राउंड में वर्क नहीं करते। इसके अलावा ये है वर्ल्ड क्लॉक, तो जो भी हमने दुनिया के 5 अलग अलग सिटी को ऐड किया है यहाँ पे उसका टाइम शो किया जाएगा। और ये है वर्कआउट, जो हम पहले ही देख चुके हैं, और जो भी आप वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो ये रहा स्पोर्ट रिकॉर्ड, आपने कौन कौन से वर्कआउट की यहाँ पे शो किए जाएंगे, आप टैप करके उसे चेक कर सकते हो डिटेल में। आगे है रिमाइंडर, जो भी आपने रिमाइंडर ऐड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे। इस रिमाइंडर का जब भी टाइम आएगा तब आपको मिलेगा इस रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। अगर कोई भी रिमाइंडर कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिलेगा टिक का आइकन इस तरीके से, अगर आपको इसे रिमूव करना है तो टिक पे टैप कीजिए, इस तरीके से आप रिमाइंडर को यहां से रिमूव कर सकते हो। म्यूजिक जो हम देख चुके हैं, वेदर यहां पे शो किया जाएगा जो हमने ऑन किया है ऐप में, तो अभी फिलहाल कितना है आज का मिनिमम मैक्सिमम और आने वाले अगले 4 दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर शो करेगा यहां पे। इसके बाद है कैलकुलेटर, तो आप यहां पे कैलसी का यूज कर सकते हो, यहां पे बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन। वॉच फेस यहां से भी आप चेंज कर सकते हो स्वाइप करके इस तरीके से। फ्लैशलाइट आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। और लास्ट में है सेटिंग्स का ऑप्शन, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये था नॉइस फिट ट्विस्ट स्मार्टवॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।